संकट मिटे कटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आज 5 अक्टूबर है, तीसरो नोरतो है और सालासर पैदल यात्रा तैयारी है। मेरे घर से 206 किलोमीटर है, मैं अकेला जा रहा हूँ, ये तो बाय बाय करने आ रही है। 9:20 हुए हैं, 24 मिनट पे राहु काल लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी से निकलने की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा बैग बुक पैक हो गया, सामान सारा, रास्ते की बातें आपको सारी मैं बताता ही रहूँगा। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। ठीक है, ध्यान रखियो। ठीक है रियान, ओके ओके विस्की, बाय 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 बाय, तू भी चला सके। चलो ठीक है जी, बाकी आपको हालात रास्ते के जो भी होंगे वो बताते जाएंगे। हाँ, और मैम को मोहल्ले में शांति बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हेलो, बोलिए वीर बजरंग बली की। लियो जी, सालासर की तैयारी कर ली है, मैं चाल पड़े पैदल आठों 210 किलोमीटर है मारो टूर है कि आराम काटांगा, तो 5 दिन लगभग लग जाएगा। पहली यात्रा है सालासर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी भी, मैं सारों ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोचूँ तीसरे दिन पार कर दूँ। ये बाइक है ओला चाली, मेरे सागर है मानव है, पहली बारी जाए सालासर। सागर राजेश है, और भी पहली बारी, और राजेंद्र है मानव के मामा जी। आप पहले गए हो सालासर पैदल? नहीं, पहली यात्रा है, मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। पहली बार मैं पैदल गया था तब लाफ्टर चैंपियन बना, उसके अगली बार पैदल गया तो सैनिक स्कूल शुरू हुआ। इस बार पता नहीं क्या चमत्कार करेगा प्रभु, पर मेरी कोई ऐसे चमत्कार की इच्छा नहीं है, मेरी तो नमस्कार की इच्छा है। आजकल बहुत सुविधाएं हैं कि हम कहाँ कैसे चल रहे हैं, तो वो खबर आप तक पहुँचती रहे। मैं क्या है कि आजकल हिंदी मीडिया करूँ, मेरी हिंदी निकल जाए धक्का हूँ। बहुत थारो प्यार मिलो, जी ही हिंदी वीडियो शुरू होया, 40-40 मिलियन, 50-50 मिलियन, और मानव कह बागड़ी मातृभाषा है तो बोलने चाहिए बिल्कुल। मैं मातृभाषा सिखाण खातर अन बॉम्बे हूँ, 1.5 महीने की छुट्टियाँ बैठ लिया, तो दिहाड़ी के 15 दिन की छुट्टियाँ बैठ लिया, तो ताकि है बागड़ी सीख जाए। और बागड़ी सिखाण खातर फौजी की फैमिली एक फिल्म आई राजस्थानी प्रकाश गांधी की, वो 50-50 बार देखी होली। बोलो बाटो सुना ना सामने। अभी तो यात्रा स्टार्ट ही हुई है, सारा रौनक माह तो 150 किलोमीटर चलने बाद में तो गड़ा फेपी आज ली, पर जिया भी होगी हालात था ना बताता रहा। राम राम जी, राम राम, क्या हाल है? फिर से जीवता ही फिर हो गए, कमाल करे बो यार। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब और आया मारी वीडियो चढ़ा दी हो बड़े का। पैदल यात्रा में नॉर्मल आदमी की जो स्पीड होती है 1 घंटे में 6 किलोमीटर आदमी चल जाता है, धीरे चले तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर आराम से निकाल देता है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल स्पीड है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर हम निकाल देंगे। शंकर पावर बैंक देने आया, पावर बैंक बोलिया। ठीक है शंकर भाई, पहले दिन है तो मैं सारा ने ओवरटेक करता हुआ जान लाग रहा, पापा को बहुत ज़्यादा मन हो सालासर जान को, और बाने एक बानू ही चाहिए, तो पता लग गया कि एक संग जान लाग रहे हो अपने गांव को, मामा जी जान लाग रहे, तो वहाँ भी प्रोग्राम बना लियो। फिर इनविटेशन मना आयो तो मैं मना कर कौन पाया, क्योंकि मेरे बहुत जी हो सालासर जान को, तो मैं क्यों आज बुलावो आयो है तो जानो चाहिए।
इतना सीरियस इंसान आपने कभी देखा है? पापा का सर दर्द हो रहा है। देखो के वो मटर है, मटर बारे कोई इन जावा नहीं देना, टापर कोई मिठाई खरीद लिया, कोई समोसा कचौरी, मैं क्यों यार मटर लियाओ? क्या पापा थे बारे जाओ देना मटर ही क्यों लियाओ? मुझे बेटा मैं आँख खातिर तरसेड़ा है, मैं बांडिया में देखी ले के खाई जी को नहीं कभी। एक नारो लगा दियो जी, जय जय राम। जय बाबे की। गोली नहीं बोलना चाहिए गुंडा। अंकित भाई जी हमारा सूत्रधार, जका गाड़ी लेके पहुंचे है मारखने। सुना है मैंने, वीडियो नहीं देखी, सुना है मैं दो तीन बार सुना कर, ठीक है तेरी बीपी सही रहेगी फिर। जयकारो वीर बजरंगी, बोल वीर बजरंग बली की। मुझे लगता है तेल खत्म हो गया। क्या हुआ सर? भैया तेल उड़ गई। अब रास्ता तो काफी पड़े हुए है, तो थोड़ा धीमा धीमा गाना सा गया है, रास्ता तो कंटिन्यू करा। और थारा सारों गुजारिश है, अगर थे भी चलता टाइम गाना सुनना पसंद करो तो आवाज़ थोड़ी कम, ताकि थाना साजन को भी ध्यान पड़ता तो रहे, कोई हॉर्न मारे या फिर कोई बुलावे कि ना जरूरत हो, भी चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। अंकल वापस मिल गए, सारू आगे चलन लग रहा हूँ मैं। पहलो बंदो आया जो को आयो है मार्केट टाइम पर है। आया भाई, भैया हमारे साथ यात्रा कंप्लीट करेंगे, अभी मिले हैं हमें। थे अरे थाने में के करो थे, पकड़ ली कोई अरे थाने में। पापा और राजेश मामा जी वो लोग धन्नासर थाने में रुके हुए हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। लो जी ये पहला स्टॉप है धन्नासर से निकलती, यहाँ पे मैं सबसे पहले पहुँचा हूँ, वेट कर रहा हूँ पापा का और सभी का जो हमारे साथ आए थे। मैं बहुत फास्ट चला हूँ भाई, इतना तेज़ मैं सबसे आ गया हूँ, दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। तो जी नाश्ता आ गया है, भैया के कोई दोस्त थे उन्होंने फल फ्रूट भेजे हैं, भैया के दोस्त मेरे दोस्त। लो जी पापा भी आ गए हैं, मिलते हैं उनसे। ये है अपनी योजना। इधर लेट गया हो गया, मैं सरों पहला बुग हूं। तू जवान है बुढ़ा। राम राम जी, राम राम। काम का बिजी यार, ओ बैग में शरण देने को लेना जो 6 रुपया है मेरा। राम राम जम्मा। लैपटॉप वाला बैग बाहर निकाल दो प्लीज, थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए इस दौरान फ्री बैठे हैं। 3 घंटे में 15 किलोमीटर विद रेस्ट, बीच में रेस्ट भी किया। मैंने आपको कहा था भी 1 घंटे के अगर नॉन स्टॉप चलो तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर निकलते हैं, हमने बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी किया तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर। हम रावतसर से यहाँ लगभग 15 किलोमीटर 3 घंटे में आ गए और अब अपनी योजना में रेस्ट करेंगे। पूरे धूप 3-4 बजे यहाँ से रवाना होंगे आगे पल्लू धाम तक। अभी हमारा एक और ग्रुप है, बे अभी रास्ता में है, बे लगभग आंता ही ओला पुख्ता ओला 5-6 किलोमीटर दूर उसी मारो और बाऊ भी मिलांगा फिर मारो रास्तो वापस कंटिन्यू करांगा। मैं गांव संगान लग रही ना, बहुत जल्दी का चले रहे सुबह 4 बजे का। अच्छा जी, तो टाइम पहुँचना होता 11 बजे। तो जी लैपटॉप निकाल लिया है और अब स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। अच्छा। हम साथ साथ चलते चलते जहाँ रेस्ट लेंगे वहाँ पे इसको एडिट करते रहेंगे, ताकि आप लोग भी हमारी यात्रा देख सको, कैसे हम यात्रा को इंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए बालाजी का नाम लेके। लो जी हमारी वाली पिकअप जा रही है दूसरे ग्रुप को सहारा देने। डेली ब्लॉग में ये मेरा पहला ही ब्लॉग है और जिसमें हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या दिखाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि और हमें क्या करना चाहिए। अगला ब्लॉग जो आएगा उसमें इस ब्लॉग में जो जो बेस्ट कमेंट होंगे वो सब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपके नाम सहित कि किसी ने क्या भेजा है। सो बने रहें, कमेंट करते रहें, एक्टिव रहें। जय बाबा की। समय हो चला है थोड़ा विश्राम का, विश्राम कर लीजिए। भोजन, भोजन का समय हो चुका है। दिन ढल रहा था और हम पैदल चलते चलते 10-12 किलोमीटर और आगे आ गए, लेकिन अभी तक हमारे साथी हमारे साथ नहीं है। वेट कर रहे हैं उनका, कब वो हमारे पास पहुँचे और हमारी जर्नी कंटिन्यू रखें।
नाम आ गया। मैं भी अभिराज का नहीं हूं। वे कई लोग पीछे रुक के। कितना साल का भंडारा है आपका? हमें 26 साल हो गए। 26 साल हो गए, वाह जी वाह, खूब सेवा करे। कहाँ से हो आप? मैं तो ऐसे नेपाल से हूँ। भंडारा कहाँ? श्री गंगानगर का। जय बाबा की। जय बाबा की। हाँ जी, 24 किलोमीटर का सफर तय हुआ है, ब्रह्मसर पहुँचे हैं। ब्रह्मसर केसर जी महाराज की बहुत बड़ी धाम है, मतलब राजस्थान में बहुत मानता है केसर जी महाराज की। और बाकी महाराज साथी इतना पहुँचे है, अजय बाकी फिर भी ला रहे हैं, वह आन लग रहे हैं, आए बाद में थारू मिलाऊंगा। गोस्वामी ट्रांसपोर्ट कंपनी में शर्मा जी हैं, बाकी कल का कल देखेंगे। जय बाबा जी। अभी रेस्ट करेंगे यहाँ पर सारी रात। भोज में तय लागण हो गए बंदूक। तू वो देख रहे जोगी रूपनाथ है के भोज में लागे के भोज में बंदूक ले आ जा ठा कर दो। राम राम। राम राम। हेलो। राम राम। शाबाश। खुश रहो। राम राम। खुश रहो। राम राम। लो जी, रात हो चुकी है, लगभग समय हो चला है 8 बजने के करीब, और हमारा संग अभी तक नहीं आया, हमसे मिला भी नहीं है। हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब भी मिलेंगे तब मिलते ही रहेंगे, आते ही होंगे बेचारे। रास्ते में थोड़े हमसे दूर चले हैं, काफ़ी थक गए थे बता रहे थे हमें। आज तो बिना पंखे कूलर सीधी नींद आएगी, पड़ता ही नींद आएगी। मानो हमेशा कह गए एसी बिना नींद को नहीं आवाज देखी होते, बिना एसी बिना कूलर बिना पंखे सीधो सोए वो। थोड़ा सा टेढ़ो सोऊंगा यार, थोड़ा सा। लो भाई, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे पे। ये भगवान ने ऐसा चेहरा दे दिया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, गेम खेलना है और थोड़े खुले खुले हो जाओ। अब मैं तुम्हें रूल समझा दूं क्या है। खड़े हो किनारे पे, जब मैं बोलूंगा नदी तब आप सारे आगे कूदोगे। नदी, वेरी गुड। किनारा, अरे किनारा। चलो एक मौका और मिला आपको। नदी, चलो नदी। अभी किस पे खड़े हो? नदी पे। नदी पे डूब नहीं रहे? अब मैं तेज तेज बोलूंगा, तेज तेज करना है। किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा, नदी किनारा। ये कहां से आ गया? एक और है जिको ना श्यामांगली गाल गए, पलटा मार दे हरी फटी। अगर कुएं में वो बड़े नहीं है, सांप है। सांप है जैसे रूपनाथ को जय बाबा की। जय बाबा की। बढ़िया सब थके हुए हैं और सबसे हाल चाल पूछ रहे हैं, क्या हाल है सभी के। जय वीर बजरंग बली। दोस्तों, आज हमारा पड़ाव है वो ब्रह्मसर में है। आज एक दिन का सफर पूरा हो गया और हमारा जो दूसरा संग था, साथी थे, वो भी हमें मिल गए हैं। आज की जर्नी कैसी रही हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कल की जर्नी के लिए तैयार रहें। जय बाबा की।